रहेगा चलेगा चलेगा जी चलेगा चलेगा जी। हाँ जी गाड़ी का बड़ा आनंद आ रहा जी। सीन देखो आप, कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक्सीडेंट वगैरह हुआ है पूरा, इसको समझ नहीं आ रहा। बहुत बड़ा है अमृतसर। बस स्टैंड कितना बड़ा भाई, बस स्टैंड तो बड़ा यार, बस स्टैंड ही बहुत बड़ा था। रेलवे स्टेशन हम तो कार से जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से निकले थे इसलिए। और ये देख लो यहाँ से निकलने, यहाँ बहुत सारे गेट है ऐसे, ये एक हाल गेट है क्योंकि हम यहाँ पे अभी रुके थे, सोचा आप लोगों को बता दूँ। अब यहाँ से हम निकलेंगे जयपुर, बाकी बातें करते हैं कार में क्योंकि ठंड बहुत है। गाइस अभी सूर्य दर्शन कर लो। सो गाइस अभी हम रुके हैं, पहला हमने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लिया है और यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे जयपुर जो कि है लगभग 650 किलोमीटर। अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, भूख लगती है थोड़ी। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। हाँ आप उठ गए क्या? ब्लैंकेट में बैठी हूँ। ये तो हमारे सोते रहते हैं, इनका काम तो मस्त आराम से चिल करना, मेरा ही है आके खिलाती भी तो रहती हूं पीछे से। कब झूठ, बिल्कुल झूठ। चलो गाइस, गाइस चलने में फायदा गाइस मतलब नहीं है अब। सो गाइस वो रहे उधर सूर्य देवता, ये हमारी मम्मा, ये हमारी WRV और यहाँ ठंड हो रही है। गाइस देखो पूरी तरीके से कोहरा है, जीरो विजिबिलिटी, और पापा वीडियो बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूँ। मेरे को दिखा दीजिए पापा एक बार। मतलब हम चल चुके कम से कम 200 किलोमीटर और तब से सिर्फ नो विजिबिलिटी, कुछ भी नहीं है। बहुत रिस्क है, आराम से चल रहे हैं, 60-80 से ज़्यादा तेज नहीं चला रहे, और आगे जो गाड़ी उसी को देख देख के हम फॉलो कर रहे हैं ताकि एक थोड़ा सा गाइड मिलता रहे अपन को। यही अभी तक का है हमारी प्रक्रिया जो हम कर रहे हैं। और एक बार पापा दिखाओ वापस, सीन देखो आप, कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमारी WRV हमारा साथी बन के चल रही है। सो आराम से चले कोहरे में, अभी 10 बजे और बाहर टेम्परेचर है 10 डिग्री, लेकिन कोहरा बहुत ज़्यादा है। अभी जयपुर यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर है, सो हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। अभी हम यहाँ रुक गए हैं, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता, आगे एक्सीडेंट वगैरह हुआ है सो पूरा रूट बंद हो चुका है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। सो हम देख रहे हैं क्या करना है, हम यहाँ से पहले ये पूरा ट्रैफिक क्लियर हो जाए। हम रुक गए एक साइड में ताकि ये देखो इधर पूरा पूरा बंद हो गया है, देखो इधर भी देखो पूरा, ये देखो। सो यही होता है फॉग में, अब किसी की लापरवाही की वजह से कुछ हुआ होगा, और फॉग भी बहुत ज़्यादा है। हम भी धीरे धीरे चल रहे थे तो अभी पूरा ये जाम हो गया इधर। सबने सोचा था रास्ता होगा बट कोई रास्ता नहीं है। सो गाइस NH 44 पे आगे यहाँ पर श्रिंद गाँव जो आता है उसके 30 किलोमीटर आगे पूरा बंद है किसान आंदोलन की वजह से। तो अब हम जा रहे हैं वापस बैक, देखते हैं आगे रास्ता में अपडेट देंगे पूरा। अब इसको समझ नहीं आ रहा, सब बंद हो चुका है इधर देखो सब कुछ। 1 hour later गाइस अभी यहाँ से हम जा रहे हैं पेहुआ, पेहुआ कोई होगा गांव शायद, पता नहीं। तो उधर से फिर वापस 152 जो एक्सप्रेसवे हरियाणा जो था हाईवे, वहां पर हमको वापस जाना है। पहले जो हम जा रहे थे वो हाईवे बंद था, बोलता क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से बंद था। पहला हमें लगा एक्सीडेंट है, फिर हम ना पंजाब के पहली बार अंदर जो रियल गांव होते ना उनमें से, गलियों में से, पिंड में से निकाल के लाए। देखो ये तो समय परिस्थिति ऐसा चलना पड़ता है, लेकिन एक चीज है सुबह जल्दी निकलते हो ना तो ये पॉसिबल है। अगर हम लेट निकलते और रात को ये सब होता ना हमारे साथ तो हम फिर बिल्कुल भी वहाँ से नहीं निकल पाते। या पंजाब हरियाणा सब मिक्स है यहाँ पे, लेकिन पूरा पेवर देखो यहाँ हो रही ऑफ रोडिंग अभी, क्योंकि हम बहुत रास्ता अभी क्या बताए आपको, अब तो घर ही चलते हैं, लेकिन हम एंजॉय कर रहे हैं। वो देखो नेवला पूरा हरियाणा के गांव में घूम रहे हैं अभी, हरियाणा के पेवर गांव में पिहुआ। कोई देखता है ब्लॉग कमेंट करके बताओ, बहुत सुंदर नजारा है, बहुत सुंदर। हमने कार इसलिए खोल दी, इतनी प्यारी प्योर हवा, ठंडी ठंडी, वो भी बहुत धीरे चलाना पड़ेगा क्योंकि आगे देखो रास्ता पूरा ऐसा है ऑफ रोडिंग वाला। बोलो ना क्या बोल रहा, कुछ भी डर की रहो ना, नहीं बोलो ना यार, अरे एक पंजाबी सुना दो। हाँ जी थोड़ा दूर रुको, देखो ये असली मतलब गाँव। अभी आप दिख रहे हो उनको, आपका चेहरा दिख रहा है, अरे खोलो मत, चलने दो, क्या हो गया भाई। ये देखो सरसों का साग नहीं दिखेगा, अभी आपका चेहरा दिख रहा है ना, तो कैमरा तो इधर है ना। अच्छा नहीं बोलोगे आएगा, ये देखो ये असली गांव। अरे भाई थोड़ा पंजाबी तो सुना दो। हाँ सुनो जी। अरे पाजी, ओ पाजी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ा थोड़ा पंजाबी दसो। हाँ जी हाँ जी, खेत में पानी है जी। गाइस पूरे रास्ते पापा ने पंजाबी लैंग्वेज की पूरी वाट लगाई है। हाँ जी पेवा से पेंदाजी आ गई, और जी हाँ जी इंजी पता नहीं क्या क्या बोला। हाँ जी हाँ जी, हम वाले फंस गए जी किसान आंदोलन में, किसान आंदोलन से निकले और अब यहाँ पर आए हम। देखो भूख लग रही है, बस आ ही गया सामने, दिख गया मुझे हाईवे। A few moments later, guys देखो कैसे भी आ जाए, बिल्कुल बीट रूट जैसा, पहली बार देखे मैंने, और मीठे ही है ना, बहुत मीठे भी आ रहे राजस्थान से पहले जाने से पहले। तो गाइस अभी हम रुके हैं
पे हुआ ये वहीं पर ही और रुके, मतलब लंच हुआ। ये देखो कितना सुंदर है, ये जो रास्ता जा रहा है ना ये यहाँ जाके फिर ये इधर जाएगा, फिर NH 152 स्टार्ट हो जाएगा जो मेरा फेवरेट था, जो हमने डे वन पे जो बताया था वो। तो उसके बाद फिर 217 230 किलोमीटर जो भी है वो लगातार चलेगा, तो कहीं पे कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, इसलिए हम उसमें जितना टाइम कवर हो सकता करेगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आज हुई है। ये हरियाली देख के बहुत अच्छा लगा, हरियाली चारों तरफ थी, पंजाब में भी काफ़ी हरियाली थी, अब ये हरियाणा है। गाइस मम्मा तो फुल एंजॉय, देखो मम्मा इसी पे लेके चलो जयपुर, मस्त आप मस्त लग रहे हैं। सोने की साइकिल, चांदी की सीट, सोने की तो नहीं है तो नकली घास की साइकिल, पेहुआ। हाँ जी, हाँ हाँ जी, चलो साइकिल पे चलते जयपुर। चलो मिलते हैं अब NH 152 हाईवे पे, बहुत देर से वेट कर रहे थे इसका। सो गाइस हमारे 1500 किलोमीटर होने वाले 99 पे आ गया है भाई, ये 1500 किलोमीटर हो चुके हैं। पापा कैमरा होल्ड कर लो उधर से। तो गाइस फाइनली 1500 किलोमीटर हो चुके हैं WRV के साथ, और ये रिकॉर्ड बन गया है। जयपुर से निकले, चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से जम्मू, जम्मू से कटरा, कटरा से अमृतसर, अमृतसर से वापस आ गए हैं उसी हाईवे पे, हरियाणा ट्रांस हाईवे। और बहुत मतलब मक्खन मजा आ गया, गाड़ी ने बहुत साथ दिया, बात करते हैं। कुमार ने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई और इसका ये सब दिख रहा है यहाँ पे। बस बस थैंक यू। पहला ड्राइवर देखा 22 इयर्स की उम्र में, बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। अरे अभी नहीं, अभी पहले घर पहुंचाते हैं। मुझको भी इसने फेल कर दिया। अरे 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 बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा, चलेगा चलेगा जी, चलेगा चलेगा जी। हाँ जी गाड़ी का बड़ा आनंद आ रहा जी, गाड़ी के पंजाब में आके पाजी जी से लगा जी। मेरी इतनी भी तारीफ मत करे। सो गाइस पूरे इस ट्रिप से रिलेटेड किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन हो विदाउट हेजिटेशन पूछिए, आपको हर बार अच्छे से अच्छा वीडियो दिखाया जाएगा ट्रेवल्स का, ताकि ऐसे लगे कि कोई गाइड आपके फोन के अंदर बैठा हो, ताकि हम एक्सपीरियंस करें और हमारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, और हमारे एक्सपीरियंस से भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, यही हमारी कोशिश रहेगी। और ये NH 152 बेस्ट अभी तक का मेरा हाईवे मतलब एक्सपीरियंस रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये हाईवे, बिल्कुल सीधा एरो की तरह, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से क्रूज करके गाड़ी चलाते रहो। सो मिलते हैं अब जयपुर में। रात के बजे है 8, सुबह निकले थे हम 7:15-7:30 और 11-10 घंटे के लगभग हमें टाइम लगा, सिर्फ एक ब्रेक लिया था और नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है भाई ने। भाई कुछ तो बोल दो, 2000 किलोमीटर 5 दिन में और सिंगल ड्राइवर, पापा को एक भी बार नहीं दी मैंने, बंदे को ये इनाम भी दिया जाता है, इतना सस्ते में नहीं निपटूंगा मैं। मम्मी की तरफ से आपको आशीर्वाद है बहुत, जो माथा दुखा के लाया वैष्णो देवी, और मैं इसके ऊपर पैसे मार के इसको देती हूँ। लो गाइस चलो 500 तो मिले, पैसा ही पैसा होगा। तो ये हमारा ब्लॉग, ये ट्रिप पूरी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ की और जय वैष्णो देवी की। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।